मेरे पास यहाँ पे ना एक कुछ लाइंस हैं जिनको है? आपको रोमांटिक तरीके से करके बताना है और okay. ये मुंबई कर सुन के बड़े खुश हो जाएंगे. ये लाइंस है, लाइफ फर्स्ट क्लास है, दादर स्टेशन पास है, बोले तो एक नंबर बाबा, घूमे आगे पीछे पांडू, एक कटिंग चाय पिला दूं, अबे ढक्कन हवा आने दे, अबे चिंदी कल्टी मार ले. लोचा हो गया, राडा हो गया, खोपचे में लेके दू क्या दू क्या. ओके तो ये रोमांटिक गाने में कन्वर्ट करना मुझे, जैसे जितना रोमांटिक हो सके अरमान, जितना रोमांस है. लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई दिस. ऑलराइट. लाइफ फर्स्ट क्लास है, दादर स्टेशन पास है, बोले तो एक नंबर बाबा, घूमे आगे पीछे पांडू, एक कटिंग चाय पिला दू, अबे ढक्कन हवा ने दे, अबे चिंदी कल्टी मार ले, लोचा हो गया, राडा हो गया, खोपचे में लेके दू क्या हो, लोचा हो गया, राडा हो गया, खोपचे में लेके दू क्या हो. रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूँ सुचारिता और एक बार फिर से इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वेलकम बैक अरमान मलिक. हाय. आई एम गुड. मैं अभी फिलहाल फरारी में बिजी हूँ. अरमान, मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ. आपके सक्सेस की गारंटी सिर्फ हमें आपके जो रेडियो के कदरदान है उन्हें ही नहीं थी. एक बहुत बड़े सुपरस्टार है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिनका नाम है श्री सलमान खान. श्री सलमान खान. श्री सलमान खान से मेरी मुलाकात हुई थी जब पिक्चर आई थी जय हो और मैं आपको सुनाऊं उन्होंने क्या कहा था, आप सुनना चाहेंगे? वाव, आई वुड लव टू हियर. मैंने पुराना इंटरव्यू ढूंढ के सुनाती हूँ. साजिद वाजिद का म्यूजिक तो ऑब्वियसली, आई मीन इट्स बीन फैंटास्टिक ऑलवेज, बट इस मूवी में डब्बू मलिक के जो दो बेटे हैं उन्होंने भी काफी कमाल के गाने दिए हैं. हाँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने अलादीन के चराग पैदा कर दिए ना. इसी लेवल पर इनका संगीत का कार्यक्रम चलते रहे. दुआ करते हैं कि इतना टैलेंट हर फिल्म में दिखाए वो. सब लोग हैं, हमें भी अच्छा लगता है ये गाने. सो फार ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जो गाने हमें पसंद आए वो पूरे आवाम को पसंद आए. आई होप वो रिकॉर्ड टूटे नहीं इस बार. Wow, what a memory this was. Amazing. It took me back and wow, it's been a great journey since then. We had this discussion in his house ki hum log baithe the and unhone kaha ki na itne acche se hum log ne banaya kyun public ko, you know, it's not lapped up to it or did not become a big success. To unhone kaha ki, you know, I have to do justice to these boys in some way or the other. And phir aaya the idea of Main Hoon Hero. Right. And there it began and I think us gaane ke baad for me there was no looking back. As my profile on all my social media say, onwards and upwards, no looking back. आपके फादर सलीम खान साहब को बहुत मानते हैं कि सलीम खान ने मेरे अंदर टैलेंट देखा और मेरे अंदर टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया. सो इट्स जस्ट आई गेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन यू ऑल आर जस्ट यू नो गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद टाइम. लेकिन इस रूप में आना टू बी द वॉइस ऑफ भाई एट एज ऑफ 18 इन 2014, दैट वाज अ वेरी अमेजिंग थिंग. एंड उन्होंने कहा भी था कि कहीं सूट नहीं हो सकती है, वो मुझे भी डर है, लेकिन मुझे अगर कुछ करना होगा तो मैं करूंगा, तुम अपनी आवाज में गाना, मैं पतला हो जाऊंगा, लोग लगूंगा 18. तो आई वाज लाइक वाओ, लुक एट द पैशन ऑफ भाई. एंड यू नो ही वांट्स टू कम्पीट टुडे आल्सो एंड बिकम फिट एंड सूट माय वॉइस. यू नो दैट्स सच एन, यूजुअली क्या होता है कि सिंगर्स विल ट्राई टू एम्युलेट कि एक्टर की वॉइस कैसा है, मैं वैसा सूट. But he said कि नहीं, इस टैलेंट को बाहर आना है, तो I'll try to see where it is possible. Even though it was not logistically or on screen wise also, it could not match. But still, he went out of the way and did that. I think that's beautiful. जी. तब से लेकर अब तक अरमान दुनिया चेंज हो गई है. तुम्हारी तुम्हारे भाई की मतलब things have turned on their head. Yes. कभी कभी ऐसा सुबह उठते हो बिस्तर से realize करते हो कि ये हो क्या रहा है. कभी कभी मैं और अमल उठते यार, अरे यार वो रिकॉर्डिंग का वो फाइल कहाँ पे, कौन से कंप्यूटर में, कौन सा हार्ड डिस्क, अरे भूल गया, अरे शो पे जाना है, एयरपोर्ट टिकट. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. एंड इस दौरान हमें ये कभी रियलाइज हुआ ही नहीं है कि हम लोग एक्चुअली इतने बड़े हो गए हैं. अब ऐसा एक्चुअली हम लोग के अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट किया गया है फ्रॉम आवर डैड
कि यू नो अरमान मलिक एंड अमल मलिक घर पे जो है वो बाहर और वो उसमें अंतर होना चाहिए. एट होम यू आर नॉर्मल किड्स लाइक यूर आर माई सन्स एंड आई विल स्टिल give you all a little thappad here and there. घर पे रेड कारपेट नहीं बिछेगा तुम्हारे, दाल रोटी खाओ चुपचाप से. बट जैसे जस्टिन बीबर ने अपनी इमेज को चेंज किया है, अरमान मलिक भी अपनी इमेज को चेंज कर रहे हैं आ जाना फरारी में के साथ. एक तो मुझे बताओ सबसे पहले तुम्हें डांस किसने करवाया इस गाने में? सलमान भाई ने एक्चुअली इंस्पायर किया था जयहो के टाइम पे, डांस सीखो कुछ ना कुछ. उस टाइम पे ही ये टोल्ड मी कि यू नो डू यू नो हाउ टू डांस. मैंने बोला आई डोंट नो हाउ टू डांस, मैं सर ओनली गाना गाता हूँ गिटार बजाता हूँ. तो नेचुरली तुम में कुछ है डांसिंग? मैं बोला हाँ चलो कुछ दो तीन स्टेप दिखा देता हूँ आपको अगर कुछ है. बकवास है, यू हैव टू लर्न. आई विल पुट अ कोरियोग्राफर and tell you to learn steps and all that. So I started training with Mudassar, who is also his protege. And initially people are not ready to accept ki I was in this coming in this avatar. Right. Matlab, is this a space? And I think it's about time ki I also show my versatility because I have a lot of music in me jo bahar nahi aa paya hai. So this is why I did Ajana Ferrari, man. I think it's caught on really well and people have really liked my vibe in it. But aap mujhe bataye jo gaane ke jo opening notes hai na, what is that sound? Ek Japanese flute hai, shakuhachi flute usse kehte hain. Wow. And the music producer used that flute and merged it with my voice and usse ek sample banaya gaya. So and actually tune sabse pehle aayi thi na 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 na. ये ट्यून आ गई थी एंड एक थॉट भी आ गई थी कि दैट यू नो इट्स अबाउट द चेज, लाइक एवरी गाय ऑलवेज इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेज गोइंग टू द गर्ल. तो एक तू ही इग्नोर कर दी, बाकी कुड़ियां मुझ पे मर दी. सो यू नो मेरे पास है काफी बिहाइंड मी बट आई एम आफ्टर यू. सो दैट थॉट हम लोग को ऑलरेडी था, उसे डेवलप करने के लिए आई थिंक वी सैट डाउन विद कुमार पाजी फॉर टाइक 15 मिनट्स. आई थिंक द सॉन्ग वाज डन 15 मिनट में. मुखड़ा अंतरा दोनों कैसे 15 मिनट में कैसे पूरा गाना कोई लिख सकता है यार? मैं उसे मुझे नहीं पता, उनका कुछ और ही स्पीड है, कुछ और ही मतलब उनको मतलब मैसेज मिल जाता है भाई अमल अरमान के लिए गाना बनाने 15 मिनट में यू हैव टू डिलीवर इट. एंड भूषण जी भी बोलते सिंगल जल्दी बनाओ रिलीज करना है. तो फिर कुमार पाजी गोज इनटू दैट होल जोन. तो सबसे ज्यादा टाइम लेकिन आई एम अज्यूमिंग वीडियो शूट करने में लगा होगा. अरे यू वोंट इमेजिन, दो दिन में शूट किया मैंने ये. कैसे भाई कैसे कर रहे हो आप लोग? मैं आपको क्या बोलूं, जैसे आई टोल्ड यू मुझे पता नहीं कौन सी सिटी में हूं. मैं टूर कर रहा था इंडिया में काफी शोज एंड उसमें से 2-3 दिन मुझे फ्री मिले. उस 2-3 दिन में मैं LA जाके शूट करके आ गया एंड उस दौरान वीडियो बनाएंगे पूरा. गुडनेस, बट यार ऐसे हीरोगिरी करने में बड़ा मजा आया होगा ना? बड़ा मजा आया. आई थिंक इट वाज अ वेरी कूल थिंग, मुझे ऑलवेज करना था इन रियल लाइफ में. हाँ. अभी दोनों रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में करने को मिल रहा है. फिर रियल लाइफ एंड रियल लाइफ दोनों में करने को मिल रहा है. व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन? रियल लाइफ में दैट इज सपोज्ड टू मीन व्हाटएवर इट्स सपोज्ड टू मीन. अरमान, वेल अरमान, यू नो लाइक आई सेड, ऑल ऑफ अस फील लाइक वी आर वेरी पर्सनली इन्वॉल्व्ड आपके करियर में, हमें ऐसा लगता है. Definitely. क्योंकि आपके गाने हम चलाते ना, एक अंदर से बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है और अच्छा लगता है देखकर somebody in their 20s doing so well for themselves. Thank you so much. Radio City का प्यार और दुलार सदैव आपके साथ रहेगा. इतना हिंदी मत बोल. Lots of love and hugs to you for evers and evers. Okay, thank you. That was so awesome. Thank you.